चैनल विच इज़ रूट्स ब्लॉक। और कैसे हैं आप सब लोग। तो आज रूट्स ब्लॉक की जर्नी आ गई है चौक में। और चौक में दुकान पे हम लोग आए एक मिठाई की, जहाँ पे होती है बल्क में गाजर के हलवे की मेकिंग। और यहाँ का गाजर का हलवा और समोसे बहुत ही पॉपुलर है, ऑन डिमांड है और लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। तो सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ शेयर करें कि आखिर समोसे और गाजर के हलवे जो कि इतने पॉपुलर हैं वो आखिर आते कैसे हैं प्लेट में। तो हम लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि आता कैसा है। तो आज रूट्स ब्लॉक में आपको दिखाएंगे कि इनके कारखाने का टूर कि आखिर कैसे बनता है। यहाँ पे काली और लाल ग्रेड्स हम लोग आ गए हैं। तो आपको बताया कि गाजर ग्रेट होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, ये है काली गाजर और ये रखी है। ये ऐसी दिखती है, छोटी होती है थोड़ी साइज में ये, और वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये ज़्यादा मेहनत का भी काम है इसे ग्रेट करना दोस्तों, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गाजर आती है हलवे वाली अलग से लाल वाली, और ये छोटी आती है तो इसको घिसने में भी समय लगता है। तो भैया ये कितनी गाजर होगी? ये 5 किलो जी। तो क्या पर डे सिर्फ 5 ही किलो बनता है? नहीं, सुबह कोई बार दो टाइम बनता है। सुबह बन चुका है एक बार, दोबारा बन रहा है। तो दोस्तों सोचिए कितनी अच्छी इनकी खपत है कि एक बार सुबह ये बना चुके हैं और वो सेल आउट हो चुका है। और इनके जो कस्टमर्स हैं मोस्टली टेस्ट के लिए जाना जाता है। दूध रिड्यूस हो गया है और अब यहाँ पे डालने जा रही है गाजर हमारी। डालिए भैया। देखिए दोस्तों, काली गाजर डालने के बाद दूध का भी कलर कितना अलग हो गया है। भैया ये ऐसी लगातार आप चलाते रहेंगे, मतलब रुकेंगे तो लगने लगता है इसमें। अगर रुकेंगे तो पकड़ लेगा मतलब। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत का काम है और गाजर डालने के बाद लगातार भैया चला रहे हैं, जिससे गलती से भी दूध पकड़ ना ले नीचे से। और अगर पकड़ लिया तो स्मेल आ गई और पूरा हलवा बर्बाद हो गया। तो दोस्तों मेहनत का काम है। अगला भैया अब इसमें क्या जाएगा? इसमें चीनी आएगी। चीनी आएगी। दोस्तों मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि भैया अगर अभी चीनी डाल दी तो क्या होगा? अभी चीनी डाल देंगे तो इसका लच्छा गल जाएगा एकदम। लच्छा गल जाएगा मतलब पक जाएगी, ज़्यादा गल जाएगा, बटर हो जाएगी। पकानी तो हमें वैसे भी है, इतना पकाना कि ये गले ना लच्छा। अच्छा, ये लच्छे पता चले। लच्छा मालूम थे कि इसे गाजर का लच्छा है, अदरवाइज खाने में मज़ा नहीं लगेगा। मज़ा नहीं आएगा एकदम, फिर गल जाएगा तो टेस्ट भी नहीं आएगा खाने में। तो पूरी तरह दूध सुखाने के बाद चीनी पड़ेगी। और यहाँ देखिए दोस्तों क्या क्या इंतज़ाम है। खोया है, घी है, चीनी है, बादाम, पिस्ता, इलायची, काजू है। तो आप भैया कह रहे हैं इसमें चीनी डालने का टाइम आ गया है। सही, तो भैया डालिए चीनी। तो ये गई हमारी, कितनी चीनी बताई थी भैया? 1.25 किलो चीनी चली गई अब इसमें। अब क्या होगा अगला? अब इसको जल जाएगा तो इसमें देसी घी लगा डालेंगे। अच्छा, अभी गलने देंगे चीनी को। तो दोस्तों अब चीनी को पकाएंगे। तो चला गया फ्रेंड्स इसमें अब घी, और घी जाते ही इसकी रंगत और बढ़ जाएगी और बढ़िया हो जाएगा। और अब सोंधी सोंधी सी खुशबू भी इसमें आनी शुरू हो गई। भैया लगभग कितना घी डाला आपने? 1 किलो घी डाला। अच्छा, भैया कह रहे हैं लगभग 1 किलो या 1.25 किलो घी अंदाज से इन्होंने डाला है, क्योंकि इनको ये करीब 30 साल पुराने वर्कर हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है 25-30 साल से यही काम कर रहे हैं। तो इनकी जो अंदाज़ है उससे तो हम लोग सोच ही नहीं सकते। तो इन्होंने अपने अंदाज से ही डाला है। करीब 1 से 1.25 किलो घी गया है 5 किलो गाजर और 6 लीटर दूध के हलवे में। डेढ़ किलो दानेदार पूरा एकदम ताज़ा, और ये भी यहीं का बना हुआ है। काजू, बादाम और पिस्ता जाएगा। इनको ड्राई फ्रूट हमारा गाजर का हलवा भी और पहुंच चुका है सीधे शॉप में, वहीं जाके रिव्यू देंगे कि कैसा बना है। और समोसे भी आपने देख लिए बनते हुए और समोसे का भी अभी खा के रिव्यू देंगे कि कैसा बना है। और बाकी हम बहुत थैंकफुल हैं यहाँ के वर्कर्स के, क्योंकि इन सभी ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से बताया और अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि हम लोग के आने से थोड़ा सा इन लोग का जो टाइम है वो एक्सटेंड हो गया, क्योंकि हर किसी के काम करने का एक तरीका होता है। वो लोग फटाफट शॉप के ऑनर, और तो भैया से पहले पूछेंगे भैया आपका नाम क्या है? ज्ञानेश्वर गुप्ता। ज्ञानेश्वर गुप्ता नाम है। तो भैया आप कहाँ के हैं? यही प्रॉपर बाराबंकी के हैं। अच्छा। लेकिन फादर इन लॉ हमारे यहीं पे हैं, फादर वगैरह सब लखनऊ में ही। अच्छा। प्रॉपर रहते हैं। तो ये शॉप कितने साल पुरानी है आपकी? ये हमारी 1984 में शॉप ओपन हुई थी। अच्छा, यानी काफी पुरानी दुकान है, ब्रांच और पुराने लखनऊ में पड़ती है। तो भैया अगर किसी को आना हो तो कैसे आएगा? आप मान लिया आप बाई प्लेन आते हैं तो एयरपोर्ट से जो है सीधे चारबाग से टैक्सी मिलती है चौक के लिए। अच्छा। चौक में आने के बाद खुनखुनजी रोड पे पान वाली गली। तो खुनखुनजी रोड पे चौक पे आपको आना है, पान वाली गली में, और जैसे ही आप इंटर करेंगे गली में शॉप हमारी कॉर्नर पे। शॉप आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी अगर आप उस रोड पे विजिट करें, क्योंकि एकदम शुरू में ही इनकी शॉप है, आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। तो भैया यहाँ पे गाजर के हलवे में ऐसी क्या खासियत है? मैम गाजर का हलवा हमारे यहाँ जो बनता है वो आपने देखा ही कैसे क्या बनता है, और हम लोग जो है काफ़ी अच्छे से उसको वॉश वॉश करके और उसकी मेकिंग और मेवा वगैरह अच्छा डालते हैं, देसी घी वगैरह शुद्ध अपना यूज करते हैं गाय का, इसीलिए जी। और समोसे की भी, हाँ समोसा तो हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है। अच्छा। और समोसा हमारे यहाँ काफ़ी बल्क में बनता है, हमारे यहाँ कभी ठंडा समोसा नहीं मिलेगा। अच्छा, हमेशा। तो भैया अगर कोई आए आपकी शॉप पे पहली बार, तो अभी तो जा रहे हैं तो समोसा और गाजर का हलवा जरूर खाइएगा। अगर नॉर्मल गर्मी में आते हैं तो तब भी आपको गरम समोसा ही मिलेगा। अच्छा, समोसा गरम मिलेगा। और मीठे में तब क्या आपके यहाँ? मीठे में हमारे यहाँ तब गरम गुलाब जामुन भी रहता है। गुलाब जामुन इमरती हमेशा जो है 12 मास जो है हमारे यहाँ बनती है। तो दोस्तों अगर आप जाड़े में आ रहे हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि गाजर का हलवा आप इनकी खा पाएंगे, जो कि काली गाजरों का होता है और लाल दोनों का ही होता है, लेकिन काली गाजर का लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं। और अगर आप गर्मियों में विजिट कर रहे हैं तो गरम गरम गुलाब जामुन आप खा सकते हैं, और साथ ही साथ रबड़ी और इमरती यहाँ की पॉपुलर है वो खा सकते हैं। और बाकी भैया से पूछना चाहेंगे, भैया क्या रेट है गाजर हलवे का? गाजर हलवा हमारे यहाँ काली गाजर का 500 रुपये है और लाल का 480 रुपये। तो फ्रेंड्स रेट भी आपको बता दिए, तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार भैया को मौका दीजिए और विजिट करिए इनकी शॉप को। तो दोस्तों मेकिंग के बाद फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है काली गाजर का हलवा, और आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस दिख रहा है बनने के बाद। और फाइनली अब इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा बना है। दोस्तों सीरियसली ड्रास्टिकली डिफरेंस है लाल गाजर और काली गाजर में। बहुत ही लाइट मीठा है, बहुत ही बैलेंस और सटल फ्लेवर्स हैं, और यही कहेंगे कि अपने आप में कंप्लीट है। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं या बहुत मीठे में फॉन्ड ऑफ होते हैं वो बहुत आराम से खा सकते हैं, और जो कम मीठा खाते हैं वो भी इसे ना नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी मिठास है, बहुत ही बैलेंस है सारी चीज़ों का। और यकीनन जो घी पड़ा है वो इतना ही अच्छा है कि वो आपका मुंह बांध नहीं रहा, मतलब ओवर कुछ भी नहीं है, हर चीज़ बहुत ही अच्छी बैलेंस है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आइए और ट्राई करिए, और उसके बाद मेरे को कॉमेंट में जाके तब रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लगा आपको भी खा के। और फिलहाल हम इंजॉय करते हैं अपना गाजर का हलवा। चलिए फटाफट से टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है इनका समोसा। और इसका तो पूरी तरह से वो भी देखने नहीं लग रहा है, आपको उसके अंदर भी स्टफिंग दिखा देते हैं, क्योंकि हमने मेकिंग भी आपको इसकी दिखाई हुई है। और देखिए कितने बढ़िया आलू हुए हैं, एकदम गर्म है, अभी अभी कढ़ाई से निकला, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। तो बिना देर करे इसे खा कर आपको बताते हैं कि कैसा बना है। और डिप के साथ और बिना डिप के साथ दोनों से खाएंगे, पहले हम ऐसे खा के आपको बताएंगे। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सीरियसली कह रहे हैं, मसाले बहुत लाइट हैं, और यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी, मसाले बहुत ही बैलेंस होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं, और अपने आप में कंप्लीट है। आप जरूर, और ऑयल एकदम ऐसा नहीं है कि आपके हाथों में लग रहा है, कभी कभी ओवर हो जाता है, एकदम सूखा समोसा आप देख सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही बैलेंस है। गुड़ की चटनी के साथ दोस्तों और अच्छा लग रहा है। इंतजार कर रहे हैं। आप लोग तो नहीं आए लखनऊ तो आइए, और अगर लखनऊ में हो और आपको ये शॉप नहीं पता तो प्लीज़ शॉप आइए, आइए और फिर कॉमेंट करिए, लाइक करिए, बताइए। तब तक हम एंजॉय करते हैं और आप देखते रहिए।